आज की इस वीडियो में बात करेंगे अंडर 10,000 के प्राइस में आने वाले टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। अंडर 10,000 के प्राइस में तो बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं जिसके अंदर की आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगा, बट काफी एनालिसिस रिसर्च करने के बाद आपको 5 स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे जिसके अंदर आपको एमुलेट डिस्प्ले भी मिलेगा, ब्रेव बैटरी भी मिलेगी और एक फोन के अंदर तो 5G का सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छा कैमरा सेटअप भी मिलेगा। तो अगर आप भी अंडर 10,000 के प्राइस में कोई अच्छा सा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको एक बढ़िया स्टोरेज चाहिए अंडर 10,000 के प्राइस में जिसके साथ में कैजुअल गेमिंग भी आप कर सकते हैं तो ये स्मार्टफोन है लावा ब्लेज 2। 6GB प्लस 128GB स्टोरेज के लिए 899 में इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.5 इंचेस का पंच होल 90Hz का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। यूनिसोक T616 का प्रोसेसर, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है जिसके साथ में गेमिंग भी आप कैजुअल कर सकते हैं। रियर में डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 13MP का प्राइमरी, 2MP का माइक्रो। इस कैमरे से फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, इस कैमरे से भी फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। अंडर 10,000 के प्राइस में एक बड़ी स्टोरेज चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो लावा ब्लेज 2 को आप जोर से कंसीडर कर सकते हैं। अगला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F13। 464 के लिए 9499 में इसको परचेस कर सकते हैं। अंडर 10,000 के प्राइस में एक अच्छा सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, एक अच्छा ब्रांड वैल्यू चाहिए, साथ में एक अच्छा कैमरा सेटअप भी चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी F13 आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन बन जाता है। चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.6 इंचेस का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। ये गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है तो स्क्रैच वगैरह भी बहुत कम आने के चांसेस बन जाते हैं विदाउट अगर टेम्पर ग्लास को यूज़ करते हैं तो भी। एक्जाइनोस 850 का प्रोसेसर मिल जाता है, ये भी प्रोसेसर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। रियर में ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 50MP का प्राइमरी, 5MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का डेप्थ, 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। दोनों कैमरे से फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 15W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है जो कि आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा और आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। अंडर 10,000 के प्राइस में सैमसंग का कोई अच्छा सा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं, साथ में आपको बड़ी बैटरी चाहिए जो कि मल्टीमीडिया वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहने वाला है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला स्मार्टफोन है मोटो G30। अंडर 10,000 के प्राइस में एक बड़ी स्टोरेज चाहिए, साथ में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, साथ में सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा चाहिए। इस फोन के अंदर कुछ भी ब्लॉटवेयर, कुछ भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, क्लीन UI का एक्सपीरियंस मिल जाता है तो मोटो G13 को आप कंसिडर कर सकते हैं। 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के लिए 9999 में इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.5 इंचेस का HD प्लस 90Hz का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। हेलियो G85 का प्रोसेसर मिल जाता है, साथ में एंड्रॉइड 13 अपडेट के साथ में आता है। रियर में ट्रिपल कैमरा मिलता है, 50MP का प्राइमरी, 2MP का माइक्रो, 2MP का डेप्थ। इस कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, रियर में ट्रिपल कैमरा मिलता है, 50MP का प्राइमरी, 2MP का माइक्रो, 2MP का डेप्थ। इस कैमरे से फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, इस कैमरे से भी फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 5000mAh की बैटरी मिलती है, 10W इन द बॉक्स चार्जर मिल जाएगा। अंडर 10,000 के प्राइस में स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में एक अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए, साथ में बढ़िया स्टोरेज चाहिए तो मोटो G13 आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन बन जाता है। अगला स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स 12i। अंडर 10,000 के प्राइस में आपको एमुलेट डिस्प्ले चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए तो इन्फिनिक्स 12i को आप जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। 4GB प्लस 64GB के लिए 9999 में इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.7 इंच का एक बड़ी फुल HD एमुलेट डिस्प्ले मिल जाता है। मल्टीमीडिया वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई या फिर गेमिंग वगैरह करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। हेलियो G85 का प्रोसेसर मिल जाता है, 50MP प्राइमरी कैमरे के साथ में रियर में ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। दोनों साइड के कैमरे से फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, इन द बॉक्स 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। अंडर 10,000 के प्राइस में एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो इन्फिनिक्स 12i को आप जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। और मल्टीमीडिया वगैरह ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई या फिर गेमिंग वगैरह करने के लिए लेना चाहते हैं तो फिर ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो सकता है। दोस्तों फाइनली हम बात करने वाले हैं जो मेरे लिस्ट के पहले नंबर के स्मार्टफोन है उसके बारे में। ये एक 5G स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन है लावा ब्लेज 5G। 6GB प्लस 128GB की करेंट प्राइस है 11499, बट ये स्मार्टफोन ऑफर्स पर परचेस करते हैं तो ये स्मार्टफोन
10,000 से लेकर 11,000 के बीच में इसको परचेस कर सकते हैं। और इस प्राइस में अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए, साथ में इंडियन ब्रांड का कोई स्मार्टफोन चाहिए, तो लावा ब्लेज 5G आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन बन जाता है। चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.5 इंचेस का 90Hz का HD+ IPS डिस्प्ले मिल जाता है। डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर मिल जाता है। रेयर में 50MP प्राइमरी कैमरे के साथ में AI ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। इस कैमरे से 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। इस कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 5000mAh की बैटरी मिलती है। 15W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। अंडर 10,000 के प्राइस में एक 5G साथ में इंडियन ब्रांड का कोई स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं, तो लावा ब्लेज 5G आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन बन जाता है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।